उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने सदर विधानसभा क्षेत्र के साईगढ़ में आयोजित होने वाले जनमंच की तैयारियों से संबंधित एक बैठक की अध्यक्षता की। उपायुक्त ने कहा कि मंडी जिला का 10वां जनमंच आगामी 6 जनवरी 2019 रविवार को तुंगल क्षेत्र के मेला मैदान साईगढ़ में आयोजित किया जा रहा है, जिसकी अध्यक्षता बहुउद्देशीय परियोजना ऊर्जा एवं गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री अनिल शर्मा करेंगे। उन्होंने कहा कि इस जनमंच के लिए सदर विधानसभा क्षेत्र की 15 पंचायतें चिन्हित की गई हैं, जिनमें ग्राम पंचायत कोटरी, भरगांव, साई, कसान, सुराड़ी कोट, धनियारा, डोहन, खलाणु, लागधार, सदो, निचला लोट, सेहली, तरनो तथा बग्गी तुंगल पंचायत सम्मिलित हैं। उन्होंने कहा कि 3 चरणों में आयोजित जनमंच के प्रथम चरण में सभी चिन्हित पंचायतों में विभिन्न विभागों द्वारा संयुक्त रूप से जागरूकता शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व जनमंच चरण में इन शिविरों के माध्यम से लोगों को प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं व विकास कार्यक्रमों के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे इस चरण में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों की पहचान कर पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित करें। उन्होंने कहा कि लोगों को पंचायतों के माध्यम से अपनी शिकायतें व समस्याएं जनमंच के लिए प्रेषित करने के लिए भी प्रेरित करें। इसके लिए स्थानीय जन प्रतिनिधियों के साथ बैठकर उनका सहयोग भी लें। उन्होंने कहा कि पूरे जनमंच चरण में प्राप्त शिकायतों व समस्याओं को ई समाधान के माध्यम से सभी संबंधित विभागों के निपटारे के लिए भेजा जाएगा और विभाग यह सुनिश्चित करें कि जनमंच तिथि तक इनमें से अधिकांश का निपटारा कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि जनमंच के मौके पर ही सर्वप्रथम पूर्व जनमंच चरण में प्राप्त शिकायतों पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने लोगों से भी आग्रह किया कि वे जनमंच पूर्व चरण में आयोजित शिविरों के दौरान प्रदत्त सेवाओं का भरपूर लाभ उठाएं। उपायुक्त ने कहा कि जनमंच के अवसर पर शिकायत निवारण के साथ ही लोगों को विभिन्न नागरिक सेवाएं भी एक ही छत के नीचे उपलब्ध करवाई जाएगी। इनमें आय व जाति प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, शपथ पत्र का सत्यापन, आधार कार्ड, उद्यान कार्ड, डिजिटल राशन कार्ड, घरेलू गैस कनेक्शन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसे वृद्धा पेंशन, विधवा दिव्यांगता पेंशन सहित वाहन लाइसेंस के दस्तावेज भी तैयार किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि लोगों की सुविधा के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर का भी आयोजन किया जाएगा। विभिन्न विभागीय अधिकारी निर्माणाधीन व पूर्ण हो चुके विकास कार्यों व संस्थानों का निरीक्षण भी करेंगे। उन्होंने कहा कि जनमंच प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है और इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जा रही है। ऐसे में सभी अधिकारी अपने जिम्मेवारियों का बखूबी निर्वहन करें ताकि आम लोगों को इसका अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल।